हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, होपफुली आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मेरी तरह अपने घर की साफ़ सफाई में और ऑर्गेनाइजेशन में लगे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ अमेज़न हॉल, जिसमें मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट बाय किए हैं अमेज़न से और उन सारे प्रोडक्ट का यूज़ मैंने अपने डाइनिंग एरिया में किया है। तो कैसे मैंने कौन कौन सी चीज़ें आज अमेज़न से बाय की है और किस तरह से मैंने उन चीज़ों को यूज़ किया है, आज के वीडियो में सब कुछ देखने को मिलेगा और कैसे मैंने अपने डाइनिंग एरिया को बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक दिया है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो स्टार्ट। सो गाइज, दिस इज़ माई डाइनिंग टेबल एंड इट्स अ 6 सीटर डाइनिंग टेबल एंड ये पूरा वुड का है। और गाइज, इसको मैंने आज से 5 साल पहले बाय किया था, लेकिन आज भी ये बिल्कुल न्यू लगता है। और इसी के बाजू में एक विंडो है जहाँ पे मैंने ब्लू कलर का कर्टन लगाया हुआ। सो गाइज, आई हैव अ 2 BHK अपार्टमेंट। तो मेरा जो घर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 BHK अपार्टमेंट है। और यहाँ पे एक जो एरिया है वो डाइनिंग एरिया है और इसके अपोजिट जो है वो लिविंग एरिया है। तो आज के वीडियो में मैं डाइनिंग एरिया का पूरा लुक आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, किस तरह से मैंने अपने डाइनिंग एरिया को एक बहुत ही प्यारा लुक दिया है। और जितने भी सारे प्रोडक्ट मैं आज यूज़ करने वाली हूँ वो सारे मैंने अमेज़न से बाय किए हैं। तो सबसे पहले हम अपने डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन कर देंगे, फिर चाहे वो डाइनिंग चेयर्स हो या टेबल हो, सारे चीज़ों को हम पहले ड्राई डस्टिंग से क्लीन कर देंगे। देन उसके बाद जो डाइनिंग टेबल का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, उसको मैं कोई भी लिक्विड सोप से क्लीन कर दूंगी अच्छे से। आप चाहे तो वाटर से भी कर सकते हैं। और मैं हमेशा से अपने डाइनिंग टेबल पे एक ट्रांसपेरेंट सा डाइनिंग कवर बिछा के रखती हूँ। उससे ये होता है कि जो आपका वुड का डाइनिंग टेबल है वो अच्छे से प्रोटेक्ट रहता है, उस पर कभी फूड भी अगर गिर जाएगा तो वो डाइनिंग टेबल आपका ख़राब नहीं होगा। तो हमेशा से आप भी ऐसा ही कीजिए, जब अगर आपका भी पास वुड का डाइनिंग टेबल है तो हमेशा से ये ट्रांसपेरेंट कवर इस पर बिछा के रखिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आता ये, बहुत इसे लोकल मार्केट से भी बाय कर सकते हैं। मैंने खैर ये अमेज़न से ही बाय किया था, पर आप लोकल शॉप से भी सब चीज़ों को बाय कर सकते हैं। ईजिली ये सारी चीज़ें मार्केट में मिल जाती हैं। सो सेकेंड प्रोडक्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डाइनिंग चेयर के कवर, और ये कपड़े के कवर हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी इनकी होती है और इसमें बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल है। मैंने अपने थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर चूज़ किया है। सबसे बढ़िया बात है, हम इसे वॉश कर सकते हैं। जब भी ये आपको लगे कि थोड़ा गंदा हो गया है तो आप इसे वॉश कर सकते हैं। इसका लास्टिक भी बहुत अच्छा क्वालिटी का है। तो ये ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत प्यारा है और जब आप इसे अपने डाइनिंग चेयर पे लगाते हैं तो आपके डाइनिंग टेबल का लुक एकदम डिफरेंट हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि जो डाइनिंग टेबल आपका था वो बिल्कुल नया हो चुका है। तो ये मुझे बहुत ही प्यारा सा प्रोडक्ट लगा है। इसको लगाने के बाद आपका डाइनिंग एरिया का पूरा लुक चेंज हो जाएगा। तो देखिए आप, मैं किस तरह से इसको लगा रही हूँ। इसको लगाना भी बहुत ही एफर्टलेस है, बहुत ही इजीली तरीके से हम इसे लगा सकते हैं। बहुत आसानी से ये चेयर पे फिट हो जाता है और आपका चेयर 6 सीटर है तो ये 6 पीस में भी अवेलेबल है। और अगर आपका चेयर डाइनिंग चेयर अगर 4 सीटर का है तो भी ये अवेलेबल है। तो ये बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।
अब हम इस पे बिछाने वाले हैं ये रनर, जो कि अगेन मैंने अमेजोन से बाय किया है। तो आज के वीडियो में मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो सब मैंने अमेजोन से ही बाय किए हैं और बहुत ही सस्ती कॉस्ट में मुझे सब कुछ मिल गया है। तो चलिए अब हम इसको बिछाते हैं और देखते हैं इसको बिछाने के बाद डाइनिंग टेबल का लुक कैसा आता है। सो गाइज नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वुडन ट्रे। ये मैंने अमेजोन से बाय नहीं किया है, लेकिन मैं इसका सिमिलर प्रोडक्ट लेके लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। और ये मेरा एक DIY पोर्टल है जिसमें मैंने अपना मनी प्लांट इसमें पुट किया है, तो ये भी एक मेरे थीम के अकॉर्डिंग हो गया था तो मैंने यहाँ पे इसे भी लगाया है। और ये एक बास्केट है जो बिल्कुल मैंने लोकल मार्केट से बाय किया है, तो इसको मैंने अपना एज अ टिश्यू होल्डर रखा हुआ है। और अगेन जो ये वास है ये भी मैंने अमेजोन से ही बाय किया। सो गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक। तो ये आज का पहला लुक है जो मैंने अपने डाइनिंग टेबल पे क्रिएट किया है और बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत कुछ मैंने यहाँ पे नहीं रखा है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें रख सकते हैं, आप यहाँ पे एक वाटर बॉटल को भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारा कुछ है फाइनल लुक में। देन इसके बाद मैं नेक्स्ट लुक आप लोग के साथ शेयर करूँगी, उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, लेकिन वो भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइज अब मैं आपको सेकेंड टाइप से डाइनिंग टेबल को कैसे डेकोरेट करते हैं वो भी बताऊंगी। और इस बार मैं यूज़ करने वाली हूँ डाइनिंग टेबल कवर, जो कि मैंने अगेन अमेजोन से मंगाया है और ये अगेन ब्लू है। और अब तक आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि ब्लू मेरा फेवरेट कलर है, इसलिए मेरा पूरा डाइनिंग एरिया है वो सारा कुछ ब्लू से ही है। तो ये भी डाइनिंग कवर बहुत ही प्यारा है और कॉटन का है और इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है और डिज़ाइन भी इसके बहुत अच्छे हैं। इसमें पूरे वाइट कलर के फ्लावर बने हुए हैं जिसमें थोड़ा सा येलो कलर भी है। तो चलिए अब हम इससे डेकोरेट करते हैं अपने डाइनिंग एरिया को। सो गाइज सेकेंड लुक में हम यहाँ पे बस चेंज करने वाले हैं डाइनिंग कवर। बहुत ज़्यादा चेंजेस इस बार मैं नहीं करूँगी, बस यहाँ पे मैंने रनर की जगह डाइनिंग टेबल का कवर यूज़ किया है। और डाइनिंग टेबल का कवर डालने के बाद मैं यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करती, बिकॉज़ मुझे फिर ज़्यादा भरा भरा अच्छा नहीं लगता। खैर वो आपका चॉइस है, आप यहाँ पे मैट भी डाल सकते हैं, बट मैं प्रेफर नहीं करती। अगर मैं मैट डालती हूँ तो मैं कवर नहीं डालती, और अगर मैं कवर डालती हूँ तो मैं मैट और रनर नहीं डालती। तो ये मेरा चॉइस है, लेकिन अगर आप ये सारे चेंजेस करना चाहते हो देन यू कैन ट्राई दिस। अगर आप डिफरेंट आइडियाज़ ट्राई करते हो तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो फिर से मैंने यहाँ पे वही ट्रे और वही टिश्यू पेपर होल्डर रखा है। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होती हैं, उन सारी चीज़ों का यूज़ करके आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हम जितना सिंपल लुक रखते हैं वो बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये जो वास है ये भी मैंने अमेजोन से और इसका लाइट भी सब कुछ वहीं से बाय किया है। सारे प्रोडक्ट के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। और एक सिंपल सा लुक जो मैंने आज क्रिएट किया उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही होम रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे मैं लाती रहती हूँ छोटे छोटे चेंजेस के साथ, मुझे ये सारी चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप भी इस चैनल का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ यहाँ से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
सो होपफुली गाइज यू एंजॉय दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप भी इस चैनल का पार्ट बन जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा. उससे क्या होता है कि सारे नोटिफिकेशन जो आते हैं मेरे वीडियोज़ के, वो सबसे पहले आप लोगों को मिलेंगे. तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग से आइडियाज़ के साथ. तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल.